अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दूध से खोया, जिसके लिए मैंने 1 लीटर से कुछ ज़्यादा 1.25 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है। दूध हमारा पक रहा है और हम इसे इस तरह से पकते रहने देंगे और मसलसल इसका चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से लग ना जाए। दूध को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और अब इसकी हालत इस तरह से है। अब हमारा दूध स्टेज पे आ गया है, लेकिन इसे अब हमने छोड़ना नहीं है बल्कि मसलसल से हिलाते रहना है। खोया बनने के तकरीबन करीब है और साइडों पे जमी हुई मलाई को अंदर लेके जाना है ताकि वो जले नहीं। खोया हमारा तकरीबन बन चुका है और ठंडा होने पे ये ठीक हो जाएगा। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी, उसे ठंडा होने के लिए रखूंगी। फाइनली हमारा खोया यहाँ तक पहुँच गया, देखें। और इसे मैं मज़ीद ठंडा करूँगी। अब हम इस खोए के साथ गुलाब जामुन बनाएंगे। एक पाव तकरीबन हमारा खोया बना है। खोए को हम प्लेट में डालेंगे। और इसके अंदर सूजी डालेंगे 2 टीस्पून, मैदा डालेंगे 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और इन सबको मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्मूथ इसका डो बना लेंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथों को चिपके ना बिल्कुल भी। मिक्सिंग मैंने कर ली है, अच्छी तरह से मैंने इसको आटे की तरह गूंदा है। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। हाथों को हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए एक पाव मैंने चीनी ली और 1.5 पाव पानी लिया और इसका मैंने शीरा बना लिया पतला सा। शीरा हमारा बन गया। ऑयल हमारा तकरीबन नॉर्मल हॉट है, इतना ज्यादा हम इसका नहीं गर्म करेंगे टेम्परेचर को।
साथ साथ हम हलाते जाएंगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसे, ताकि इक्वली हमारा कलर आए। और ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। उबलते हुए शीरे के अंदर हम गुलाब जामुन डालेंगे। गुलाब जामुनों ने अच्छी तरह से शीरा पी लिया, इसी के अंदर ये ठंडे हुए देखें, इतनी अच्छी तरह इसने शीरा पी लिया है। ऊपर नारियल का बादाम थोड़ा सा छिड़क देंगे। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अल्लाह करे आपके भी गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बने।